ओपीएससी बीपीएससी जेपीएससी के कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किए। उसके बाद सभी का डिमांड था कि नहीं हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोला जाए और यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर का भी हम लोग उद्घाटन किए। और हम कह सकते हैं कि चतरा राज्य का पहला जिला है जो सिविल सेवा की तैयारी, कंप्यूटर निःशुल्क सीखने की व्यवस्था और मेडिकल और इंजीनियरिंग की व्यवस्था की जा रही है। चूँकि हमारा चतरा जिला पिछड़ा जिला है, यहाँ कोई कल कारखाना खासकर मेरे विधानसभा में नहीं रहने के कारण लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे राज्य में, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, भुवनेश्वर हो, सभी लोग यहाँ से, जब व्यवस्था नहीं थी तो पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, 2 लाख 2.5 लाख रुपया नामांकन में लगता था, हॉस्टल खोजना पड़ता था। और जो गरीब बच्चे हैं जो चाहते थे कि हम भी मेडिकल की तैयारी करें, हम भी ओपीएससी बीपीएससी जेपी की तैयारी करें, लेकिन घर का स्थिति ठीक नहीं रहने कारण लोग तैयारी नहीं कर पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। और विभिन्न पदों पर जो उनका सपना था कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो कुछ पदाधिकारी बनेंगे, नहीं बन पाते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे उपायुक्त अबू इमरान साहब के अथक प्रयास, मेरा तो सुझाव ही रहता है, मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद बधा देता हूँ, डीसी साहब को, जो लगातार इस महाविद्यालय में आज तीसरा कार्यक्रम है और चाहते हैं कि यहाँ के जो हमारे चतरा के जो छात्र छात्राएं हैं सभी को निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर मिले ताकि दूसरे राज्य जाना नहीं पड़े। तो हमारे जितने यहाँ छात्र छात्राएं हैं सभी के लिए मेरा आग्रह है कि आप लोग जो दूसरे जगह जाने के प्रयास करते थे दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए, अब सभी व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा और मेरे द्वारा खासकर चतरा जिला में शुरू किया गया है। विभाग खासकर स्किल डेवलपमेंट युवा युवतियों से जुड़ा हुआ है, हमारे